शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप? तो चलिए हम जानते हैं कि क्या कहती हैं आपके स्टार्स और क्या हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में स्थिति पहले से नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बहुत सी जिज्ञासा है, कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। पारिवारिक जीवन में आपकी थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, चीज़ों को बेटर ढंग से करने का प्रयास करें, अन्यथा बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। समय पर लोगों का साथ छोड़ना या समय पर लोगों का साथ देना, दो ही अलग ऐसे मैटर होते हैं जो हमारे जीवन में पाप और पुण्य को निश्चित करते हैं। तो कोशिश करें कि पुण्य ज़्यादा करें, पाप कम करें, क्योंकि ये शनि की महादशा में या शनि की अंतरदशा में हमारे कर्मों का हिसाब अवश्य होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में थोड़े से स्वास्थ्य लेकर समस्या आ सकती है। आपका पूरा दिन आज आध्यात्मिक वातावरण में निकलेगा, ईश्वर के प्रति आप काफ़ी कृतज्ञ होंगे, चीज़ों को बेटर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। आपकी चीज़ें आज बहुत ज़्यादा लाइनअप होंगी, कोई वाहन खरीदने की प्लानिंग आप कर रहे हैं तो अचानक वाहन का सपना आपका पूरा होगा और आप चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कैरियर में आपको अपार सफलता मिलेगी और आकस्मिक धन लाभने की भी आपके जीवन में प्रबल संभावनाएं बढ़ेंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के जीवन में स्थिति आज के लिए पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको लाभ होगा, चीज़ें आपकी बेटर ढंग से होकर आएंगी और आप अपने किए गए कर्मों के प्रारब्ध की ओर एक अच्छा कदम बढ़ाएंगे और आप काफ़ी पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेंगे। कई बार समय ऐसा आता है कि हमको लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, निगेटिव हो रही हैं, लेकिन ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका दिखाया हुआ रास्ता कभी गलत नहीं होता और ईश्वर हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचते। बस इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीवन में चलते चले, मंजिल आपको खुद मिल जाएगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कर्क राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्या आपको दिक्कत दे रही है। विवाह के योग अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो अचानक विवाह के योग बनने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति अनदेखा ना करें और कहीं ना कहीं चीज़ों में जो बहुत सारी मन में आप बहुत सारी बातों को लेकर मानसिक रूप से परेशान होते हैं, इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें, नहीं तो आपके जीवन में टेंशन बढ़ जाएगा। तो चलिए याद दिला दूं कि आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियां आपके क्या कहती हैं आपके लिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों के साथ आज क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं जो सिंह राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं और अगर कोई भी कार्य को ठान लेते हैं तो उसे कर कर ही दम लेते हैं। तो चीज़ों को आपको अच्छे से करने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लाइफ में उठाने होंगे, अपने कार्य में गति लाने के लिए अपने रिलेशंस को प्रॉपर करना होगा और खासकर पारिवारिक जीवन को संभाल कर चलने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है, चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ेंगी लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल में ले आएंगे। यात्राओं को टालें, मित्रों के साथ आज के दिन विवाद ना करें, आपको हानि हो सकती है और चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में आज स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको लाभ होगा, चीज़ें आपकी बेटर ढंग से होकर निकल कर आएंगी, रुके हुए कार्य पूरा आप करेंगे, लेकिन थोड़े से पैसों की प्रॉब्लम्स आ सकती है, संतान पक्ष को लेकर आपके जीवन में समस्या आ सकती है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सोच समझ कर चलें जीवन में, तभी आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स आज क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वाले यात्रा कर सकते हैं, आपका मन तेजी से विचलित होगा, प्रेम संबंधों में संतुलन बना के रखें, अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बना के रखें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैरियर को लेकर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसके कारण आपको आज हानि हो सकती है। तो चलिए आपको एक बार फिर से याद दिला दूं आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की चाल के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं धनुराशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनुराशि वालों के जीवन में आज की स्थिति उत्तम है, कार्य में रुकावट आएगी लेकिन मानसिक रूप से आप प्रबल रहेंगे, चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, पारस्परिक संबंधों को सुधारें, हस्बैंड वाइफ के बीच में विवाद की स्थिति को टालें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों के जीवन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है, प्रेम संबंधों में सुधार की आवश्यकता है और चीज़ों को थोड़ा सा लाइन अप करें, नहीं तो आप अपनी मेंटल और पेरेंटियल दोनों टाइप की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। चीज़ों को बेटर करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपको किसी बड़े अवसर का
लाभ हो जो आपको बड़ी उन्नति की ओर आपको लेकर जाए। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में स्थिति फाइनेंशियल मैटर को देखें तो काफ़ी ख़राब है। संबंधों में भी आपको सुधार की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा आप किसी के साथ गलत करके और अपना अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर सब देखते हैं। और आपको अपना आकलन स्वयं करना चाहिए कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है। और आपको शनि के 7:30 स्टार्ट हो चुकी है, तो कर्मों की मार आपको बहुत बुरी पड़ सकती है। तो कोशिश करें कर्म अच्छे करें, नहीं तो फिर तैयार रहें, शनिदेव न्याय के देवता होते हैं। इशारा मैंने आपको दे दिया है, निर्णय आपको लेना है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के लिए जीवन में स्थिति थोड़ी सी तो उत्तम है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव है, रुकाव है, बेचैनी है, घबराहट है। तो इस स्थिति से अपने आप को निकलने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग करें, तभी आपको लाभ होगा और आपकी चीज़ें प्रॉपर होके मिलेंगी आपको। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा और आपके बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से याद दिला दूं, आप थे रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे थे अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार।